सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं मलाई रबड़ी केक। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप एक बाउल ले लीजिए और छन्नी से पीसी चीनी छान लीजिए, फिर आप उसमें मैदा डाल दीजिए, उसको भी छान लीजिए। अब आप इसमें दही डाल दीजिए, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। अब आप इसमें ऑयल डाल दीजिए, आप चाहें तो इसमें घी या बटर भी डाल सकती हैं। अब आप इसमें बेकिंग पाउडर डाल दीजिए और बेकिंग सोडा भी डाल दीजिए। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप केक टिन ले लीजिए, उसमें सिल्वर फॉइल लगाकर उसको ग्रीस कर लीजिए और जो हमने केक का बैटर तैयार किया था उसको इसमें डाल दीजिए और हल्के हाथों से टैप कर लीजिए। अब आप एक कढ़ाई ले लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए, उसमें एक स्टैंड रख दीजिए, फिर आप केक टिन इसमें रख दीजिए और कवर कर दीजिए। अब रबड़ी के लिए आप एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें दूध डाल दीजिए और हिलाते रहिए। जब दूध में बॉयल आ जाए तो आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए। अब आप इसमें येलो फूड कलर डाल दीजिए, आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकती हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो मत डालिए, और इसको मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें चीनी डाल दीजिए, मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, और मिक्स कर लीजिए। अब आप गैस बंद कर दीजिए। जब केक बन जाए तो आप इसको निकाल कर ठंडा कर लीजिए और चाकू की हेल्प से इसमें छेद कर लीजिए। जब रबड़ी ठंडी हो जाए तो आप केक के ऊपर रबड़ी डाल दीजिए। अब आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दीजिए और इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। अब मलाई रबड़ी केक बनकर तैयार है, आप इसको सर्व कर लीजिए। आप मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।